सो ये नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर के बारे में। आईटी सॉफ्टवेयर की एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, बट कहीं ना कहीं जो इसने रिटर्न्स दिए थे वो एक तरीके से कंसीडर करने वाले हैं। पहले इसका मार्केट कैप देखेंगे, काफ़ी कम होता था, अब 453 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आप अगर देखेंगे 52B का 8.30 रुपीज़ के आसपास है, अराउंड अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 गुना कहीं ना कहीं बनता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर जो पी रेशियो वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। देखिए पैनी स्टॉक है, इसमें हम ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे तो कहीं ना कहीं इतना अच्छा मूवमेंट नहीं बना पाएंगे। डेप्ट की बात करें, 21 करोड़ का डेप्ट है। आप सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं, काफी ठीक ठाक चल रही है। जहां चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस चार्ट। स्टॉक के अंदर आप देखेंगे इसमें पब्लिक के पास काफ़ी तगड़ी होल्डिंग है, सो कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स गेम रहता है पूरा पूरा। आप अगर इसमें देखेंगे प्रीवियस टाइम से जो हमें मूवमेंट दिखा था वो दिखा था हमें अराउंड इस प्राइस पॉइंट पे, अराउंड अगर आप देखें 2.2 रुपीज़ के बाद से जो मूवमेंट दिखा था अपसाइड में। राइट नाउ अगर आप देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी उसी के पास आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में जो रीसेंट सपोर्ट है वो है 2.4 रुपीज़ का, 2.4 के पास स्टॉक अपने आप को कंसोलिडेट कर सकता है, ये एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके का स्विंग हमारे पास क्रिएट हुआ था वो एक बहुत तगड़ा मूवमेंट था यहाँ पे बाइंग का पोस्टियर बनाने का। सो देखिए सेम टू सेम एग्जैक्टली उसी लेवल्स पर आता हुआ हमें स्टॉक दिख रहा है। अभी बाइंग का पोस्टियर अगर आप सोच रहे हैं बनाने की तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अवॉइड करें बाइंग के लिए 2.0 या फिर 2.2 रुपीज़ के पास आने तक, तब तक हम इसके लेवल्स को देखेंगे। अगर ये 2.2 को ब्रेक करता है, जिस स्पीड से ब्रेक करता है उसको भी कंसिडर करेंगे, देन उसमें बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। लगातार अगर गिरावट होती है तो हम उसमें एक तरीके से सेलिंग भी क्रिएट हम देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इस लेवल पर 2.0 से लेके 2.2 के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी तगड़ी रहेगी, बिकॉज वहीं से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो मूवमेंट आता है वो एकदम से आता है, सो उसका हम वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रखेंगे और एक अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ भी इसमें अपॉर्चुनिटी बनाने के बाद निकल जाएंगे। सो स्टॉक में अच्छी खासी राय है, मूवमेंट अपसाइड ट्रेंड का आने वाला है, बट कहीं ना कहीं हमें देखना होगा 2.2 को ये सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं।